दोस्त नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। विधानसभा चुनाव किया तीसरे चरण की जो है नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और आज पहला दिन है। 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया होनी है। हम लोग हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है। ललितपुर शहर के 3 CO यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। इसके साथ साथ यहीं से आप जो है कलेक्ट्रेट के लिए जाने की रास्ता है और आप देख सकते हैं कि पूरे सड़क पर बैरिगेटिंग है और साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान देने के लिए सब चीज़ें की गई हैं और अधिकांश लोग आपको मास्क लग रहे हैं। हम खबर बना रहे हैं इसलिए मास्क नहीं लगाएं, थोड़ी देर बाद हम भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के बीच में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए ललितपुर पुलिस के जवान सामने दिखाई दे रहे होंगे। CO सर्कल जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जहाँ पर यहाँ से जो भी लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह चेकिंग हो रही है और बिना ID कार्ड के आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, तो एक विशेष तैयारी इस समय देखने को मिल रही है। और कुछ ही समय बाद यहाँ पर यहाँ के आला अधिकारी जो भी हैं वो मुआयना करने के लिए आ सकते हैं। आपको इसी बीच एक राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई खबर बताते हैं। तो आपको बताएं कि आज ललितपुर में इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं और कि कोई सपा में जो है सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख चुनावी मैदान में आ सकते हैं, निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं और किसी भी समय वो नामांकन के लिए आ भी सकते हैं। चूंकि सपा में गुटबाजी चल रही है और गुटबाजी का असर अब कहीं ना कहीं नामांकन के तरीके से देखने को मिलेगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। नाम नहीं खोल रहा हूँ, सस्पेंस बना रहने दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वो कौन है जो आवेदन कर सकते हैं, वो कौन ब्लॉक प्रमुख हैं जो सपा से बागी हो सकते हैं, वो कौन ब्लॉक प्रमुख हैं जो सपा की नीतियों से अब कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन आज कुछ बड़ा होने वाला है और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि राजनीतिक गलियारों में समीकरण बनते बिगड़ते देर नहीं लगती है और कुछ ऐसा ही ललितपुर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष को हटाया गया और उन्हें ललितपुर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, पूर्व जिलाध्यक्ष को रिपीट कर दिया गया है और नए जिलाध्यक्ष के तौर पर उन्हें बना दिया गया है ज्योति लोधी के लिए, क्योंकि वो टिकट भी मांग रही थी और प्रत्याशी भी, चूँकि उन्हें टिकट मांगनी थी टिकट कट गई, नए जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। ऐसे में देखते हैं क्या क्या समाजवादी पार्टी में चल रहा है, उसको तो हम अपडेट देते ही रहेंगे। यह कुछ होने वाला है क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे की टकरा रही है, चाहे ईगो हो चाहे कुछ और हो, बच्चों की लड़ाई हो, सब चीज़ें टकरा रही हैं। किसी भी शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन कराना और शांतिपूर्ण चुनाव कराना इस समय जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। और आप सामने देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स इस समय ललितपुर कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ा है, तमाम मजिस्ट्रेट अधिकारी भी यहाँ पर हैं और देखिए हर जगह वेरिगेटिंग है, चेकिंग भी की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।